आखिरकार 9th का पेपर खत्म करने के बाद तुम क्लास 10 में आ चुके हो। क्लास 10 की बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर तुम्हारे मन में बहुत से सवाल होंगे, जैसे कि क्लास 10 9th से ज्यादा हार्ड है या फिर इजी, क्या सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ने से तुम्हारे 95% आ सकते हैं, और क्लास 10 के लिए तुम्हें कहां से और कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सभी चीजों के जवाब मिलेंगे इसी वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टडी सोर्सेज की। क्लास 10 में तुम्हें मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। क्लास 10 के लिए एक बेहतरीन स्टडी सोर्स है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये टेक्स्ट बुक सीबीएसई के करिकुलम के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बेसिस पर ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ने से तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आने वाले, इसलिए तुम्हें यूट्यूब का और बहुत से प्लेटफॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल साइंस के लिए मैं तुम्हें फिजिक्स वाला और इदु ऐप के यूट्यूब चैनल को सजेस्ट करता हूं। इंग्लिश जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए तुम डीएसएल या फिर सीबीएसई गाइडेंस की मदद ले सकते हो। मैथ के लिए तुम बायजूस या फिर वेदांतु जैसे यूट्यूब चैनल को चेक कर सकते हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सोशल साइंस, जो आधे से ज्यादा लोगों की एक परेशानी बनी हुई है, तुम्हें इसे पढ़ने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसी चैनल पर मैं आपको सोशल साइंस की सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा और इससे रिलेटेड नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाले हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए अब बात करते हैं कि प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू अपना वह चैप्टर कंप्लीट कर लेना है और फिर एनसीईआरटी के उस चैप्टर की लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है। यह सारा कुछ हो जाने के बाद तुम काफी अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। और इसी तरह आपको 5 दिन में 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं और सैटरडे को आपको उन चैप्टर के नोट्स को रिवाइज करना है और फिर संडे को आपको उन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जांपलर के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अगर आपको एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो कमेंट में पीवाईक्यू टाइप कर देना, तो मैं हर संडे एक एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आता हो। क्लास 10 9 से काफी आसान होने वाली है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और एट द एंड तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि क्लास 10 एक स्ट्रेसफुल ईयर होता है जिसमें एग्जाम की तैयारी आपके सिर पर बहुत ज्यादा जोर डाल सकती है। इसलिए खुद को रिलैक्स रखना, हेल्दी खाना खाना और रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करना, और क्लास 10 में कुछ मस्ती भी करना बहुत जरूरी है। इसके लिए तुम स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अपनी पर्सनल लाइफ और पढ़ाई की लाइफ को बैलेंस करके चलना है। तो इन सारी टिप्स का यूज करके आप क्लास 10 की पढ़ाई को शुरू कर सकते हो, क्योंकि पहला स्टेप लेना ही सबसे बड़ा स्टेप होता है। इसलिए तुम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि सोशल साइंस के एनिमेटेड लेक्चर तुम्हारी मदद कर सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।